किसानों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सिरसा जिला के काफी संख्या में किसान दिल्ली कूच तो नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं शंभू जो बॉर्डर है उस पर वहां पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन प्रशासन के इंतजाम के दावे किसानों ने खोल कर रख दिए हैं। काफ़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ जारी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर अगले 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं जरूर बंद कर दी हैं। आज और कल यानी कि 14 और 15 फरवरी तक अब इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि जिला प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर धारा 144 को आगे भी कंटिन्यू रहने के प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अब एक ही स्थान पर 5 या 5 से अधिक जो व्यक्ति हैं या किसान हैं वो एकत्रित नहीं हो सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति या किसान आदेशों की पालना नहीं करता और कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिरसा के TC पार्थ गुप्ता का बयान है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास नुकीली वस्तु या नुकीली हथियार नहीं रख सकता है, अगर कोई ऐसा रखता है तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक पूरे जिले भर में 40 बैरिकेड्स जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन कल दोपहर बाद काफ़ी संख्या में किसान यहाँ से जाने में कामयाब हो गए, तो साफ तौर पर जिला प्रशासन के दावों की पोल कहीं ना कहीं किसानों ने खोल दी है। हालांकि किसानों का अभी भी दावा है कि सिरसा जिला से जो किसान हैं वो दिल्ली भी कूच करेंगे और कहीं ना कहीं अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर भी पहुंचने की किसानों की पूरी उम्मीद है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 17 जो टीमें हैं वो कंपनियाँ बाहर से मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।